हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम 181 नंबर क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर का। देयर आर टू एल्गोरिथम, हमारे पास दो एल्गोरिथम है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए जो है एल्गोरिथम 1.41 मिलीसेकंड लग रही किसी काम को करने में, और बी 0.9। तो कौन सी बेटर है? सिंपल सी बात है, ये कम टाइम ले रही तो ये बेटर हो जाएगी, बी वाली। टू मेजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, बिगो नोटेशन इज यूज्ड। विच बिगो नोटेशन हम यूज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के लिए। तो बिगो नोटेशन क्या बताता है? देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, बिगो नोटेशन बेसिकली ग्रोथ रेट होता है और अपर बाउंड बताता है हमारा, ठीक है। ग्रोथ रेट इसमें भी दे रखा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन होता है जो ग्रोथ ऑफ फंक्शन पे बेस होता है, ये भी सही है। और जो है फंक्शन का बिहेवियर बताता है, लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो ये सारे के सारे सही हैं हमारे पास ऑप्शन इसके। तो बिगो नोटेशन हमारा अपर बाउंड भी बताता है और ये ग्रोथ ऑफ फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन है, उन पे बेस है, और बिहेवियर बताता है किसी फंक्शन का, कि फंक्शन किस तरह से ग्रो कर रहा है। अगर किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन है तो ओ वन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो उसको हम ओ वन बोलते हैं, मतलब कितने भी एलिमेंट दें वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 184। इफ फॉर एन एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी जो दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है लॉग एन बेस टू, ये जो है ये इस तरह से लिखा हुआ है, लॉग एन बेस टू है। तो लॉग एन बेस टू लिखा हुआ है तो लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक इसमें कुछ है नहीं, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। ओ वन ओ एन है तो मतलब लीनियर है, ठीक है। ये एन स्क्वायर है, ओ एन स्क्वायर है तो मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इसमें दी हुई है तो वो किस फॉर्म में है ये पूछे गए हैं, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3/2 की पावर एन, यानी ओ ये ऐसा है 3/2 की पावर एन है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। तो जब पावर में चला जाता है एन जो वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी ओ एल जी एन होती है। तो एल जी एन तो लॉगरिथमिक होती है, लॉगरिथमिक इसमें आंसर नहीं है तो डी हो जाएगा। 89 है जो क्वेश्चन, उसमें कहा है कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होती है। ओ एन मतलब लीनियर में ही रहती है वो भी, तो ओ एन इसमें दिया नहीं, ये लॉग एन दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, लीनियर में है तो ये हो। विच एल्गोरिथम इज बेटर फॉर सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट या क्विक सॉर्ट में से कौन सी बेटर है? तो अगर हम क्विक सॉर्ट देखें तो क्विक सॉर्ट में जो है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, एन लॉग एन, ठीक है, और एन स्क्वायर, ये होती है बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। इसकी ओ एन और यहाँ पे एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। तो देखो हमारे पास यहाँ सब केस में ये एन स्क्वायर दे रहा है, ये केवल वेस्ट केस में एन स्क्वायर है, बाकी केस में एवरेज के अकॉर्डिंग देखेंगे ऑन एवरेज तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ठीक है। तो कम ये, केवल ये बेस्ट केस में ये वाला बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन ऑन ऑन एवरेज देखें, एवरेज देखें, वेस्ट केस देखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सब देखें, तो हमारे पास क्विक सॉर्ट जो है बेटर परफॉर्म करती है इसमें। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी ओ एल जी एन होती है, मतलब लॉगरिथमिक होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती, तो फॉल्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास बी हो गया है, फॉल्स। तो ये क्वेश्चन थे डेटा स्ट्रक्चर के, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के हो गया। आप एक काम करना, ये सारी वीडियो जो है आपको एंड्रॉयड ऐप पे मिल जाएगी हमारी, या वेबसाइट से, और इसके भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉयड ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे वीडियो टेस्ट सीरीज है और वीडियो वगैरह आपको सारे नोट्स, ये बुक वगैरह भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं वेबसाइट से या एंड्रॉइड ऐप से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।